हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम शाला। माय नेम इज स्वतंत्र गुप्ता। और अभी आप सबने एक न्यूज देखी होगी जहाँ पे भारत का पहला COVID-19 हॉस्पिटल बनने की बात निकल के आ रही है। और इस हॉस्पिटल में निगेटिव प्रेशर रूम की भी बात है कि ये निगेटिव प्रेशर रूम टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा। तो बात आती है कि ये निगेटिव प्रेशर रूम क्या होता है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो अगले 4 से 5 मिनट में आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी बहुत आसान शब्दों में। तो जैसा कि आपने देखा कि भारत का पहला COVID-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है वो सेटअप किया गया है। इसको सेटअप किया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। और ये कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन जो है वो है ब्री हनु मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, उसके साथ किया गया है। और ये पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, जिसकी चेयरमैन है नीता अंबानी। अब बात करते हैं निगेटिव प्रेशर रूम क्या होता है। बहुत आसान शब्दों में अगर बात करी जाए निगेटिव प्रेशर रूम की, तो ये एक तरीके का वेंटिलेशन सिस्टम पे काम करता है जो कि रिमूव करता है एग्जॉस्ट एयर को रूम से, ठीक है। अब इसकी बात करी जाए तो क्या होता है, तो कि इसमें होता क्या है कि एयर को अलाउ किया जाता है रूम के अंदर जो गैप्स होते हैं, जैसा कि मान लीजिए दरवाजे में हो गया, ये गैप बहुत छोटा होगा, 1/2 इंच का हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना उसको रखना है, छोटा भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, यूजुअली मैं 1/2 इंच बोलूंगा, ठीक है। तो या फिर जो क्रैक्स होते हैं उसके थ्रू इसमें हवा आती है, ठीक है। अलाउ किया जाएगा सिर्फ जो उसमें गैप दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लीकेज हो जाता है, जैसे लाइट फिक्स्चर हो गए, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स हो गए, ठीक है, तो इसके थ्रू भी जाती है इसमें हवा। पहली बात तो यहाँ पे निकल के आई कि हवा का जो फ्लो होगा। यहां तक बात समझ में आ गई, ओके। अब आगे की बात को समझते हैं। आगे की बात यह है इसमें कि जो अंदर की हवा होगी, मतलब एक बार हवा बाहर से आई, ठीक है, जिसको अलाउ किया गया अंदर से आने के लिए। अब बात आती है जो अंदर की हवा है उसे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है, मतलब फ्लो इनवर्ड्स तो होगा बट आउटवर्ड नहीं होगा। लेकिन जो अब अंदर हवा है उसका क्या होगा, तो वो वहां पे फिल्टर्स होंगे, फिल्टर्स के थ्रू उसको रूफ के थ्रू ऊपर भेज दिया जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर हवा अंदर आई, अंदर पेशेंट है, अब जो पेशेंट है ऑफकोर्स वो बीमार है, अब जब वो बीमार है और जबकि COVID-19 की या कोरोना वायरस की बात करी जा रही है, तो फिर वो हवा कंटेमिनेटेड हो गई, दूषित हो गई, तो वो दूसरे को भी फैला सकता है। तो देखिए इसके लिए वहां पे क्या होगा कि एक फिल्टर लगाया जाएगा। फिल्टर में कैसा मान लीजिए कि यूवी रेज होंगी जिसके थ्रू उस हवा को आप कह सकते हैं फिल्टर करके ही छोड़ा जाएगा, जिससे कि ये ना हो कि वो बाहर जाकर के लोगों को बीमार करना शुरू कर दे। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये होता है आपका निगेटिव रूम, जिसमें हवा अंदर आती है लेकिन अंदर की हवा बाहर नहीं जाती। ये जो अंदर अब हवा तो होगी ना, उस हवा को ऊपर की तरफ से जहां पे फिल्टर्ड होंगे यूवी रेज के थ्रू या केमिकल्स के थ्रू, उसको फिल्टर करके ही छोड़ा जाएगा बाहर। देखिए जाना तो पड़ेगा, ऑफकोर्स वो अलाउ नहीं है लेकिन उसे कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये निगेटिव प्रेशर रूम काम करता है। अब ये बात आती है कि ये समझ में कैसे आएगा कि रूम निगेटिव प्रेशर में है कि नहीं। तो यहाँ पे एक स्मोक टेस्ट होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि रूम निगेटिव प्रेशर में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक ट्यूब रखी जाएगी जो कंटेन करेगी स्मोक को, जिसको रूम के पैरलर बॉटम पे रख दिया जाता है, ठीक है। ये लगभग 2 इंच की होती है और इसमें पता करने के लिए क्या करते हैं कि अगर देखेंगे कि अगर जो हवा है वो रूम के अंदर आ रही है तो वो क्या है, निगेटिव में है, और नहीं आ रही है तो वो पॉजिटिव में है। ये बात समझ में आ गई। अब क्यों किया जाएगा ऐसा, देखिए अगर नहीं किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि डिजीजेस फैलेंगी। अगर उस हवा को हम बाहर छोड़ते हैं बिना फिल्टर किए हुए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मीजल, चिकन पॉक्स, ये सब क्या है, बिल्कुल कोरोना जैसी तो है ना, कि छूने से बढ़ती हैं, इसके लिए इसको फिल्टरेशन किया जाएगा। तो ये छोटी सी न्यूज है, ये होता है निगेटिव। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी पे जाने की जरूरत है नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये निगेटिव प्रेशर रूम क्या होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।